बेटा लेकिन अल्काइल हैलाइड का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अच्छी खासी चीज़ें आपकी एम सी क्यू बेस्ड पूछी जाती है। मैंने ओवरऑल कोशिश की कि यहाँ पर मैं आपको एम सी क्यू बेस्ड ही चीज़ें लिखूँ ताकि आपको ये बुलेट पॉइंट्स याद रहे। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड्स की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो है आर एक्स। आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल, एंड एक्स स्टैंड्स फॉर हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के अंदर एक और एक बात याद रखिएगा कि हैलोजन जो भी होगा अटैच इस एक्स की जगह पर वो कौन हो सकता है, या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन। वन थिंग मोर दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजन के ऊपर हमेशा यहाँ पर माइनस वन होगा। सही है, क्या होगा, हमेशा हैलोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगा, बट अदरवाइज आपको पता है कि हैलोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, प्लस वन, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस सेवन पॉसिबल है। ठीक है, जो कि आप लोग इधर कहने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फाइव में आपको पढ़ाएंगे। डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे, बी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिलहाल अल्काइल हैलाइड्स में जो हैलोजन अल्काइल के साथ अटैच होगी उस हैलोजन पे क्या चार्ज होगा, माइनस वन। अब आ जाओ रिएक्टिविटी के ऊपर कि कौन सा हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव है। लाजमी तौर पर ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा, दो तीन तरह से इस पॉइंट से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन, उससे कम है क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है आयोडीन। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात होगी, यहाँ से या तो डायरेक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव ब्रोमीन, उससे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन। तो सवाल में देख लीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर। मुझे याद है 2017 के अंदर जब एचईसी का पेपर हुआ था, तो एचईसी का जब पेपर होता था तो वो पहली बार 200 एमसीक्यूज का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने एमकैट के एग्जाम में। एग्जाम में मुझे याद है कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी से रिलेटेड जो सवाल आए थे वो 11th क्वेश्चन थे पहली बार के टेस्ट में, और दूसरी बार के टेस्ट में 17 सवाल आते सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड एंड रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड के बेसिस पर। जो तमाम के तमाम पॉइंट्स आपके पूरे ओवरऑल यहाँ तक जब हम डिस्कस करके आ जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी मैं क्लियर करवा दूँगा। तीसरा जो एमसीक्यू पूछ सकते हैं वो यही पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है, तो क्लोरीन। सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन है, आयोडीन। तो चार तरह के सवाल बन सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाईली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। आपको ऑर्डर याद होगा तो आप खुद ही कर सकते हैं। आमतौर पर जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होता है हैलोजन के साथ, तो हैलोजन क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन आमतौर पर उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, मतलब CH3X। अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल CH3X, इसका मतलब है जैसे लेट्स सपोज हमने लिख दिया कि 1, 2, 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये वाला जो कार्बन है वो हो गया अल्फा कार्बन। और जब अल्फा कार्बन तीन हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो अल्फा कार्बन क्या कहलाएगा, आपके पास कौन सा है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, बिकॉज ऑल आर द सिग्मा बॉन्ड्स, कोई एक भी पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पोलैरिटी की तरफ। तो जितने भी हैलोजन्स हैं उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कार्बन से ज्यादा है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तमाम के तमाम हैलोजन से कम है। तो जब भी दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो कब बनेगा, जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो, डिफरेंस हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो हैलोजन पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, कम है। यही बॉन्ड पोलैरिटी इसकी रिएक्टिविटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी हमने आगे चलकर इसको डिस्कस करना है। प्रिपरेशन की बात की जाए तो दो प्रिपरेशन डिस्कस की गई है, एक अल्कोहल से डिस्कस की गई है और दूसरा अल्केन से डिस्कस की गई है। अल्कोहल से भी जो हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, इनके रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है, इनके रिएजेंट्स पास्ट पेपर में एमसीक्यूज में आपको नजर आएंगे।
आपको डायरेक्टली कहा जाएगा कि अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में तब्दील करना है। कौन कौन से रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एमकैट के पास पेपर में तीन बार नजर आएगा और ईकैट के पास पेपर में 6 से 7 बार मिनिमम नजर आएगा। कौन कौन से ऑप्शन है जो हम ले सकते हैं, ऑप्शन ए SOCl2, ऑप्शन बी PCl3, ऑप्शन सी PbR5, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस, तो ऑल ऑफ दीस ऑप्शन। तो HX मतलब कोई भी हैलोजन एसिड हम अगर रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक हैलाइड। अब अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हैं RCl, यहाँ पर हमें क्या लेना होगा HCl और यहाँ पर हम क्या लेंगे ZnCl2। अगर हम यहाँ पर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल HBr तो Zn यहाँ पर क्या लेंगे Br2, ठीक है। अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा और साइड प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट इज एक्चुअली द वाटर मॉलिक्यूल। अगली एग्जाम्पल में अल्कोहल जब अल्काइल हैलाइड में तब्दील किया जा रहा है तो इसके लिए SOX2 यूज किया गया, SOCl2 भी हो सकता है, SOBr2 भी हो सकता है और SOI2 भी हो सकता है। तो SOX2 जब हमने रिएक्शन करवाया अल्कोहल के साथ हमारे पास सिंपली अल्काइल हैलाइड बन गया, HX बन गया और SO, because we asked in your past paper के side product अगर sulfur dioxide और halogen acid है with the preparation of alkyl halide तो कौन सा reagent use किया गया होगा, that one is HX in the presence of ZnX2, second one is SOX2, third one is PX3 and fourth one is PX5। तो कौन सा reagent use किया गया होगा जब side product sulfur dioxide और halogen acid with the preparation of alkyl halide form होगा SOX2, ठीक है। तीसरी प्रिपरेशन के अंदर अच्छा एक चीज और जो अगेन एमसीक्यू में पूछा गया, पाइरिडीन इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ SOX2 रिएजेंट। तो सवाल क्या आया है कि SOX2 का रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ कराएंगे तो वहां पर एज अ सॉल्वेंट क्या लिया गया है, वाटर, एज अ सॉल्वेंट लिया गया है बेंजीन, एज अ सॉल्वेंट लिया गया है नाइट्राइल या एज अ सॉल्वेंट लिया गया है पाइरिडीन। या आपको दो बार दिखेगा ईकैट के पेपर के अंदर एनडी और एक बार आपको दिखेगा एमकैट के पेपर के पास में, सही है। सो द सब्सटेंस इज पाइरिडीन, पाइरिडीन का फार्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बेंजीन के रिंग में नाइट्रोजन आपके पास लग जाता। उसके बाद अगर हम PX3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा H3PO3 और अगर PX5 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो POX3 और HX फॉर्म होगा। मतलब PBr3 में दोबारा लिख दिया PBr3 होगा या PX5 होगा, अगर PBr3 तो अल्काइल हैलाइड के साथ H3PO3, मतलब ये सेम रिएक्शन। लेकिन अगर मैं यहां से PBr3 हटा दूं सिर्फ PX5 को कंसीडर करता हूं तो साइड प्रोडक्ट POX3 और HX बनेगा। POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड कौन से रिएक्शन के दौरान एज अ साइड प्रोडक्ट बनेगा, जब रिएजेंट हम क्या लेंगे PX3 या PX5? PX5, it was being asked in your past paper as well. तो reagent से, side product से भरपूर सवाल आया। कभी भी past paper में ये नहीं नजर आया मुझे, जैसे कि इंटर में आता है कि भाई आपके पास प्रोपेनोल है, इससे हम प्रोपाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो इसके आप रिएक्शन करके दिखाएं। तो इंटर के अंदर ये सवाल इस तरीके से आता है, एप्टीट्यूड का सवाल इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। एप्टीट्यूड का सवाल रिएजेंट साइड प्रोडक्ट की बेसिस पर रिएजेंट, रिएजेंट की बेसिस पर साइड प्रोडक्ट और रिएक्शन की बेसिस पर रिएजेंट पूछेगा, सही है। उसके बाद आते हैं अल्केन्स की तरफ। अच्छा वन मोर थिंग, यहां पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। आपसे पास पेपर में ये दोनों चीजें पूछी गई है कि अल्केन से और अल्कोहल से बनाते हुए जब हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे, अल्केन से और किससे बेटा अल्कोहल से जब हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा होगा, एलिमिनेशन का होगा, सब्स्टिट्यूशन का होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो हो रहा है, कौन सा रिएक्शन फॉलो हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन का, चाहे आप अल्कोहल से बनाए चाहे आप अल्केन से बनाए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बीइंग फॉलोड इन बोथ दी प्रोसेसेस, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सब्सटेंस हटेगा दूसरा सब्सटेंस उसकी तरफ आकर लग जाएगा। एक और एक एमसीक्यू जो इधर ही से पूछा हुआ है कि जो सब्सटेंस आकर हटा रहा है OH को वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए OH के लिहाज से या वीकर होना चाहिए या दोनों की रिएक्टिविटी बराबर होनी चाहिए। याद रखिएगा हमेशा एक जनरल सी बात, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी चीज हट रही है और उसकी जगह कोई चीज आके लग रही है तो जो हट रहा है उसका बॉन्ड वीकर होना चाहिए
उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए और उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा अल्कोहल का जब OH हटता है और उसके बाद जब यहाँ पर हैलाइड आने लगता है तो हैलाइड और अल्काइल का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा एज कम्पेयर टू द अल्काइल एंड हाइड्रोक्साइड। सही है, तो जो भी चीज रिप्लेस करेगी OH को आकर के वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए बनिस्पत किसके लिहाज से, हाइड्रोक्सिल के लिहाज से। सही है, यहाँ पर देखिएगा ये तो चैप्टर नंबर अल्केन के जब हमने रिएक्शन पढ़े थे तो उस पर इसकी तमाम पूरी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात की जाए तो ये मुझे याद है 2018 के पास पेपर के अंदर, 2021 के पास पेपर के अंदर और 2020 के पास पेपर के अंदर ये तीन वो एयर्स हैं जिसके अंदर पूछा गया, 2019 के पेपर में नहीं पूछा गया कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी किन चीजों पर बेस करती है। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी नंबर वन जो बेस करती है वो बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती है। क्या जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है अल्काइल और हाइड्रोजन के दरमियान वो कितना स्ट्रॉन्गर है, कितना पोलर है। दूसरी चीज बॉन्ड एनर्जी और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि बॉन्ड मौजूद है कार्बन और हाइड्रोजन का, देखो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, वो जो जल्दी रिएक्ट करे, जल्दी कौन रिएक्ट करता है जिसके बॉन्ड जल्दी टूटे, बॉन्ड किसके जल्दी टूटेंगे जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम। तो कहीं पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है कहीं पर बॉन्ड एनर्जी कम है, तो जाहिर सी बात है जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो हाईली रिएक्टिव होगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 द बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड नंबर 2 द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इट वाज आस्क्ड इन योर पास्ट पेपर कि आपके पास रिएक्टिविटी जो है अल्काइल हैलाइड की किन चीजों पर बेस करती है, नंबर 1 ओनली बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, नंबर 2 ओनली बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, नंबर 3 both of the factors are involved to explain the reactivity of alkyl halide and number 3 none of these। option kaun sa hoga, both of the factors are responsible to explain the reactivity of alkyl halide। sahi hai, ab dekhiye bond polarity reactivity on the basis of bond polarity, bond polarity jo aapke baad se beta yahan par humne bond polarity ka order likha hai basically reactivity ka order nahi likha। sahi hai, ye reactivity ka order nahi hai, ye kiska order hai बॉन्ड पोलैरिटी का। ठीक है, ये जो बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर है, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा वहां पर होती है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सही है, बनिस्पत दूसरे तमाम हैलोजन्स के, इसीलिए यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बड़ा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे थोड़ी सी कम है, इसलिए उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके मुकाबले में थोड़ा सा छोटा है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से भी कम है, इसीलिए उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मजीद कम जनरेट होगी डिफरेंस में, और आयोडीन की सबसे कम ही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसीलिए सबसे लीस्ट पोलर जो बॉन्ड है वो किसका है बेटा, आयोडीन का और अल्काइल का बॉन्ड। तो द मोस्ट पोलर बॉन्ड इज एग्जिस्टिंग बिटवीन आर एंड एफ एंड द लीस्ट पोलर बॉन्ड एग्जिस्टिंग आर एंड आई। याद रखिएगा अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन को ज्यादा करता है जिसके ऊपर चार्जेस बड़े बड़े हैं। तो अगर हम चार्जेस के लिहाज से बात करें तो आरएफ जल्दी रिएक्शन करेगा, लेकिन आरएफ जल्दी रिएक्शन नहीं करता या करता है बताओ, आरएफ जल्दी रिएक्शन करता नहीं करता, जल्दी करता है, और आरआई क्या करता है देर से करता है। क्यों देर से करता है, मुझे एक बात बताओ, HF ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पिछली क्लास हमने पढ़ा था उस वाली सामने वाली क्लास में, HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर है HF ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अच्छा HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जब HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा रिएक्शन के लिहाज से, RI ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जब HF लीस्ट रिएक्टिव था तो अभी भी RF क्या होगा लीस्ट रिएक्टिव। देखो चार्जेस के लिहाज से तो बड़े बड़े चार्जेस हैं लेकिन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है जिसका बॉन्ड जल्दी टूटता है। तो आरएफ का बॉन्ड इतने जल्दी नहीं टूटेगा, भले उसके ऊपर चार्जेस बड़े बड़े तो हैं, अपने अपने चार्जेस पर ट्रैप तो करेंगे, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने वाला सब्सटेंस है, इसको कौन रिप्लेस करेगा। अभी बताया था पीछे, जब भी कोई भी चीज रिप्लेस होती है, अल्कोहल के लिए सिर्फ ये जुमला नहीं था, हर किसी के लिए जुमला, जब भी रिप्लेसमेंट होगी तो जो रिप्लेस कर रहा होगा वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और जो रिप्लेस हो रहा है वो भी होना चाहिए। तो क्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर सब्सटेंस है, इससे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया उसको कौन रिप्लेस करेगा, इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सबसे ज्यादा वीकली रिएक्टिव कौन है आरएफ, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है आरआई। इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलती है बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से। बॉन्ड एनर्जी अगर देखें तो आरआई का बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है,
बॉन्ड स्ट्रेंथ जब ज्यादा होता है तो बॉन्ड वीकर होता है और बॉन्ड एनर्जी कम होती है। RI की बॉन्ड एनर्जी कम है, RF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो RI की बॉन्ड एनर्जी कम है, RF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसलिए RF देर से टूटेगा, RI जल्दी टूट जाएगा। दैट इज व्हाई द RI इज मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड ऑफ द अदर सब्सटेंस। ठीक है, RI जो आपके पास है ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, पर इसमें किसके लिहाज से, बकिया तमाम अल्काइल हैलाइड के लिहाज से। तो हम यहां पर मेंशन कर देंगे दिस इज मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज। अब यहां से जो MCQ मजीद बना है वो ये बन चुका है कि जो RF है वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों है। पहला रीजन, यहां पर बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्टर है एज कंपेयर टू अदर अल्काइल हैलाइड्स, यस इट इज ट्रू। दूसरी बात, इट कंटेन्स मोर एंड मोर बॉन्ड एनर्जी, इसको बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए, इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर बॉन्ड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन अल्काइल एंड हैलोजन एटम। इट इज ट्रू और रॉन्ग? Both the factors are responsible to explain the least reactivity of the RF. सही है? तो यही सवाल आया था आपके पास, ये कौन से factors हैं जो कि explain करते हैं कि RF जो है वो क्या है, least reactive है। तो यही दो statement, ठीक है? आगे चलते हैं बेटा। तो reactions of alkyl halide की बात की जाए तो हमारे पास दो तरह के reactions हम observe करते हैं alkyl halide में। इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि दूसरों के अंदर ये reaction नहीं observe किया जाता, दूसरों में भी किया जाता। अल्काइल हैलाइड में कौन से रिएक्शन ऑब्जर्व किए जाते हैं? नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नंबर 2 एलिनेशन रिएक्शन। अल्कोहल के भी अंदर अभी देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी हम सिर्फ अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमें ये दो रिएक्शन नजर आते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ दुनिया में सब्स्टिट्यूशन अल्काइल हैलाइड में ही होती है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं। हर जगह सब्स्टिट्यूशन उस वक्त कही जाएगी जब कोई हटा होगा उसकी जगह पर दूसरा आने वाला। सही है, अल्काइल हैलाइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन भी होती है और एलिमिनेशन भी। सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक बेस्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक बेस्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? अल्काइल हैलाइड में हैलोजन सब्स्टिट्यूट होगा, इसकी जगह पर कोई दूसरा सब्सटेंस आकर लगेगा, और जो दूसरा सब्सटेंस आकर लगना चाहिए वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए एज कंपेयर टू द हैलोजन दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड। वो हैलोजन जो हटाई जाएगी अल्काइल हैलाइड से, उसकी जो रिएक्टिविटी है या जो उसका आप ये समझ लें कि नेगेटिव कैरेक्टर है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, वो कम होना चाहिए बनिस्बत उस नेगेटिव चार्ज के, उस न्यूक्लियोफाइल के जो कि आकर उसको हटाए। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा, ये बात सवाल में पूछा गया है आपसे, जो मैंने वहां पर बताया दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली वो इस टॉपिक से सवाल आया था। द अटैच्ड नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस ऑफ अल्काइल मस्ट बी वीकर देन द अटैकिंग ग्रुप। The attached negative charge substance must be strongly bonded, या फिर must be stronger as compared to the attacking group। तो दोनों में से कौन सी statement थी? जो बाद में attack करके आ रहा है या attack करना चाह रहा है वो stronger है और जो लगा हुआ है वो weak हो, तब आपके पास substitution हो जाएगी। या जो लगा हुआ है वो already stronger है और जो बाहर से आ रहा है उसको हटाने के लिए वो weaker है, तो कौन सी statement ठीक है? पहली वाली स्टेटमेंट ठीक है सब्स्टिट्यूशन के लिए। मैंने आपको बोला कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके पास से भरे बन चुके हैं एमकेट के लिए और टीकेट के लिए। है बहुत छोटा सा पार्ट अल्काइल हैलाइड का, लेकिन है बड़ा एक्सटेंसिव एमसीक्यूज के लिए, बहुत पॉइंट्स हैं यहां पर घुमाने के लिए। दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं SN1 acid। इतना माइनर क्वेश्चन में पूछा है कि 1 स्टैंड्स फॉर व्हाट यूनिमॉलिक्यूलर, 2 स्टैंड्स फॉर व्हाट बायमॉलिक्यूलर। का मतलब दो चीजें रिस्पांसिबल हैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने में, और वन का मतलब है सिर्फ एक ही चीज रिस्पांसिबल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने में, और वो एक ही चीज कौन होती है? सबस्ट्रेट। और दो चीजों से क्या मुराद है? सबस्ट्रेट एंड द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गई बात? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप्स में होता है? दो स्टेप में। पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है, सही है, कूलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन द कार्बोनियम आयन एंड द न्यूक्लियोफाइल। जबकि SN2 रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, जिसमें ट्रांजिशन स्टेप आप ऑब्जर्व करते हैं। ट्रांजिशन स्टेप आप SN1 रिएक्शन में ऑब्जर्व नहीं करते। पोलर सॉल्वेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉन पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। अगर पोलर डालोगे तो SN1 होगा, नॉन पोलर डालोगे तो SN2 होगा।
ऑल द 3 डिग्री अल्काइल राइट, इतने मेंशन नहीं करना है, 3 डिग्री अल्काइल राइट हमेशा एसिड वन करेंगे और 2 डिग्री अल्का 1 डिग्री अल्काइल राइट हमेशा एसिड टू करेंगे। 2 डिग्री अल्काइल राइट दोनों कर सकता है एसिड वन और एसिड टू, यही पास पेपर में पूछा गया, 4-5 बार पूछा गया कि 2 डिग्री अल्काइल राइट है, कभी ये बोल दिया, कभी आपके पास एक जर्नल फार्मूला बना के दे दिया कि भाई ये 2 डिग्री अल्काइल राइट का जर्नल फार्मूला दे दिया, बोला कौन सा रिएक्शन करेंगे, एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपके पास हमने कह दिया कि 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 डिग्री आपके पास 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, तो इसके अंदर आपके पता है, या 3 डिग्री आपके पास इसी तरीके से आपको सब्सटेंस दे दिया, बोला इसका कौन सा जो है ना सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 करेगा या SN2 करेगा, मिथाइल क्लोराइड जैसे कि CH3HCl कौन सा आपके पास जो है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, SN1 करेगा SN2 करेगा, तो आपने बेसिकली देखना ये कि अल्काइल राइट कौन सी है, 1 डिग्री है 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री, और अगर 2 डिग्री है तो देखना है सॉल्वेंट कौन सा है, पोलर की बात हो रही है या फिर नॉन पोलर की, अगर पोलर की बात हो रही है 2 डिग्री अल्काइल राइट है तो कौन सा रिएक्शन होगा SN1, और नॉन पोलर अगर आपके पास है तो कौन सा रिएक्शन होगा SN2, ठीक है। रेट ऑनली डिपेंड्स अपॉन अ सब्सट्रेट एंड रेट ऑनली डिपेंड्स अपॉन बोथ एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल एंड द सब्सट्रेट, क्लियर हो गया बात यहां तक। यहां पर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है आपके पास बेटा फास्ट, सेकंड स्टेप क्या होता है स्लो, और यहां पर क्या होता है फर्स्ट स्टेप स्लो सेकंड स्टेप क्या होता है आपके पास फास्ट, तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स एंड कंसीक्वेंसेस थी आपके पास अल्काइल राइट अब तक की तमाम चीजों के लिहाज से, जिसको इसके एमसीक्यू अगर ना भी आता है तो वो मुझसे इस लिंक जो पूरा का पूरा लेक्चर है इसके लिंक ले सकता है, बीच बीच में रोक रोक कर अगर ये एमसीक्यू आप लिखना चाहें तो एमसीक्यू को आप ले सकते हैं, अगर यही क्लास आम दिनों में होगी तो मैं रोक रोक कर ये एमसीक्यू आपको लिखवा देता, लेकिन ये चूंकि रमजान की क्लास है तो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हम एमसीक्यू भी लिखवाएंगे तो बिल्कुल पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा, ठीक है। तो जिसको इसके एमसीक्यू लिखना हो तो इस वीडियो के लिंक मुझसे मांग के ले लेना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, बीच बीच में रोक रोक कर क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पांच पेपर में आते हैं, आप एक तीन तरह से मिनी क्वेश्चन के अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाए जो आपको बता रहा हूँ अल्काइल राइट में, इसके अलावा कोई नया कोई एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, उन्हीं में से आपका सवाल बन के आ जाएगा, ठीक है।